आज हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन का अकाउंट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, और अगर बनाना चाहिए तो कब बनाना चाहिए, किस तरीके से बनाना चाहिए। मैं आपके साथ दो स्टोरीज़ में शेयर करना चाहूँगा अपने स्टूडेंट्स की, और माइट पॉसिबल के वो स्टोरीज़ आप में से हर उसकी स्टोरी हो कि जिसने वर्चुअल असिस्टेंट का कंप्लीट कोर्स करने से पहले अपना अकाउंट बना लिया। मेरे पास एक स्टूडेंट आया परेशानी की हालत में कि सर मैंने 6 महीने कोर्स किया है वर्चुअल असिस्टेंट का, और मैंने 6 महीनों में सिर्फ ड्राप शिपिंग ही सीखी है, और उसके साथ साथ जो है वो मैंने अपना अकाउंट भी बना लिया है USA टेक्सास के अंदर, और 2 ऑर्डर अभी मुझे आए हैं, और अमेज़ॉन की तरफ से मुझे वायोलेशन वार्निंग आ गई है कि भाई आप इनकी इन्वाइसेस दें, डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट दें। तो अभी मैंने उसको स्टॉप कर दिया है, तो अभी मैं उस अकाउंट के ऊपर ड्राप शिपिंग नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया, तो मैंने लाखों रुपये खर्च किया अकाउंट बनाने के लिए। अभी मैं वहाँ पर FBA करना चाह रहा हूँ, मगर मुझे उसका इतना आइडिया नहीं है कि सोर्सिंग कहाँ से की जाए, उसके बाद उनको हमने डिलीवर करना है, उसकी पैकिंग है, बार कोड्स हैं। सोर्सिंग अगर करता हूँ तो अलीबाबा से करता हूँ, उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसके कास्ट मुझे बहुत ज़्यादा आएगी, तो मेरी आप सपोर्ट करें, मुझे बताएं कि इन दिस कंडीशन मुझे क्या करना चाहिए। खैर मैंने उसको बताया, उसको गाइड किया कि आप FBA करना चाह रहे हैं, किस तरीके से करें। इनफैक्ट वो मैंने उसकी थोड़ी सी हेल्प भी की कि उसने कुछ चीज़ें बाय करनी थी वहीं से, तो वो वहाँ से मैंने अपने दोस्त के पास भिजवाई, उसने उसको पैक किया, उसके ऊपर लेबल लगाए, और उसने अपॉइंटमेंट ली और उसने उनके वेयर हाउस भेज दिया। मगर उस इस सारे टाइम फ्रेम में उसने तकरीबन 6 महीने उसने कोर्स किया, उसके बाद उसने अपना अकाउंट बना लिया, इन बिटवीन ही उसको रन करता रहा। और उसके बाद अलावा मेरे पास एक और स्टूडेंट आया, तो उसने कहा कि सर मैं बड़ी खुशी की हालत में ना कि सर मैंने अकाउंट एक ओपन किया है, तो अभी उसको मैं रन करना चाह रहा हूँ, तो आप बताएं मैं किस तरीके से रन करूँ। मैंने कहा कुछ बेच रहे हैं उसके ऊपर, स्टोर तो आपका बन गया, अकाउंट ओपन हो गया। कहता नहीं अभी मैंने उसके ऊपर लिस्ट भी कुछ नहीं किया। मैंने कहा तो लिस्ट करें। कहता कहाँ से करूँ। मैंने कहा आपने सीखा क्या है। तो उसने कहा कि सर मैंने तो एक वेल नेम्ड इंस्टीट्यूशन का नाम बताया उसने कि यहाँ से मैंने कोर्स किया है, और उन्होंने 1.5 लाख रुपया मुझसे लिया है कोर्स प्लस अकाउंट ओपनिंग का। तो अभी मेरा अकाउंट ओपन हो गया है, तो अभी आप मुझे गाइड करें कि मैं क्या करूं। मैंने कहा आप कर क्या लेते हैं। उसने कहा मैं जिस चीज़ पे हमें फोकस करवाया गया है वो तो है प्रोडक्ट हंटिंग। मैंने कहा हंटिंग की है तो फिर आप उसको सोर्स करें, आप FBA करें। तो सोर्सिंग का अगेन वही इशू कि भाई सोर्स कहाँ से किया जाए, उसके लिए एक लेंथी प्रोसेस है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो XYZ वो भी परेशान था कि अभी अकाउंट तो ओपन हो गया है, तो वो जल्दी में था कि कुछ ना मुझे इसके ऊपर करना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि जो लोग अभी वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कंप्लीट भी नहीं करते, इवन के कर भी लेते हैं और 1-2 क्लाइंट्स के वो अकाउंट भी हैंडल कर रहे होते हैं, और इमीडिएटली उसके साथ ही वो अपना अकाउंट ओपन करवा लेते हैं। अकाउंट ओपन करवाने में कोई हर्ज नहीं है, और अकाउंट ओपन करवाना कोई इतना डिफ़िकल्ट फेज़ भी नहीं है कि आप कहें कि इसमें बहुत टाइम लगेगा, आज हम करवा लें कल अकाउंट ओपन नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता अपने स्टूडेंट्स को कि वो अर्ली स्टेज के ऊपर अमेज़ॉन के ऊपर जाके अपना अकाउंट ओपन करवाएं। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि अकाउंट पहले भी ओपन करवाना, बाद में भी ओपन करवाना, इसमें फ़र्क क्या है। इसके अंदर फ़र्क ये है कि जब आप अमेज़ॉन में नए नए एंटर होते हैं, इवन वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज आप दे रहे हैं, आप अपना स्टोर क्रिएट कर लेते हैं, उस वक्त आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि किस तरीके से हम स्टोर को रन करें। एक चीज़ मेरी याद रखें, वो चाहे आपका अमेज़ॉन है, चाहे आप नॉर्मल कोई ऑफलाइन मीन्स के फिज़िकल बिजनेस आप कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, आपका अपना बिज़नेस सेटअप करना इज़ नॉट द इशू। बिज़नेस आप इजीली सेटअप कर लेते हैं, उसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता। उस बिज़नेस को अच्छे तरीके से रन करना, वो टेक्निक्स होती हैं कि जो आपको लर्न करनी होती हैं। बिज़नेस आप आराम से खोल लेते हैं, उसको सही तरीके से आप फिर रन नहीं करते, जिसकी वजह से आपका बिज़नेस फ्लॉप हो जाता है। हमारे पास अमेज़ॉन में भी बिल्कुल यही सिचुएशन होती है कि आप भागे भागे स्टोर तो ओपन कर लेते हैं, इवन के इस वक्त जो है पाकिस्तान, आपने सुना होगा कि पाकिस्तान अकाउंट ओपनिंग में, बिज़नेस में नहीं, बिज़नेस और अकाउंट ओपनिंग में फ़र्क है, अकाउंट ओपनिंग में पाकिस्तान 3रे नंबर पर है, 1st नंबर पर USA है, 2nd नंबर पर जो है वो
चाइना है और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है। तो इस चीज़ को लेके हम भी बड़े खुश होते हैं, स्टूडेंट भी बड़े खुश होते हैं कि अकाउंट ओपन हो गया, अकाउंट ओपन हो गया। अकाउंट ओपनिंग इज़ नॉट द इशू, उस अकाउंट को आगे लेके कैसे चलना है ये प्रॉब्लम है। स्टोर किस तरीके से आपने लिस्टिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट आपने कहाँ से लेनी है, ये इशू है। अब इसमें मैं क्यों इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि आपको इनिशियल स्टेज के ऊपर स्टोर ओपन नहीं करना चाहिए, वो इसलिए कि जो एक डिसअपॉइंटमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। मींस कि आप ये सोच रहे होते हैं कि चलें जी, अब हमने कोर्स सीख भी लिया है, उसके अलावा अभी जो है वो हमें स्टोर भी ओपन कर लिया है, तो अब हम क्या करें। तो मोस्टली स्टूडेंट्स, मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है, जिन स्टूडेंट्स ने मुझे अप्रोच किया है, तो वो यही कहते हैं कि अभी हमने स्टोर ओपन कर लिया तो किसी ना किसी तरीके से हम इसको रन करें, तो वो भले हम सोर्सिंग ठीक ना करें, एक्सपेंसिव सोर्सिंग करें, उसके अलावा अगर हम ड्रॉप शिपिंग किसी ना किसी तरीके से स्टार्ट कर दें, तो वो जो डिसअपॉइंटमेंट होती है वो उनके बिज़नेस के लिए, उनके अकाउंट के लिए सही नहीं होती। वो स्टार्ट के अंदर 6 महीने में 9 महीने में डिस हार्ट होकर वो बैठ जाते हैं कि ओहो मुझे तो अमेज़ोन में लॉस हो गया, इसका फ़ायदा कोई नहीं है, ये है वो। हालांकि वो सब कुछ उनकी अपनी मिस्टेक की वजह से हुआ होता है। अब अमेज़ोन का ये है कि आप अगर विदाउट हैविंग एनी एक्सपीरियंस आप स्टोर ओपन कर लेते हैं, उसके ऊपर आप लिस्टिंग करते हैं और आपको नहीं पता कि ये प्रोडक्ट पेटेंट राइट्स है कि नहीं है, और आप उसको लिस्ट करते हैं और थोड़े दिनों बाद अमेज़ोन की तरफ से उसकी वायोलेशन आपके पास आ जाए। तो एक चीज़ मैं यहाँ और शेयर करता चलूँ कि वायोलेशन हमारे पास डिफरेंट तरह की होती हैं, उसमें अमेज़ोन स्ट्रेट वे आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं करता। तो सबसे पहले आपको वार्निंग का आपको ईमेल आती है जो कि आपके डैशबोर्ड के ऊपर शो हो रही होती है, उसमें आपसे कुछ स्पेसिफिक किस्म की रिक्वायरमेंट मांगी जाती हैं कि आप प्रोडक्ट की आप इन्वाइस दें। जब इन्वाइस मांगते हैं तो समटाइम कहते हैं कि इन्वाइस जो है वो 90 डेज से पुरानी नहीं होनी चाहिए, समटाइम 30 डेज उसमें होते हैं कि उससे पुरानी नहीं होनी चाहिए, स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्वांटिटी उसके ऊपर होनी चाहिए। उसके साथ वो डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट मांगते हैं आपसे, तो ये जो रिक्वायरमेंट मांगते हैं मोस्टली लोग उसको पूरा नहीं कर सकते क्योंकि वो रिक्वायरमेंट उनके पास होती नहीं है। अगर वो रिक्वायरमेंट उनके पास हो तो जब वो प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे होते हैं उसके साथ ये सबमिट करवा दें वो, उसमें होता क्या है कि 180 डेज के लिए वो वायोलेशन वार्निंग जो है वो आपके डैशबोर्ड पे और आपकी अकाउंट हेल्थ पे वो मौजूद रहती है। अगर आप उनको उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, गुड एंड वेल वो वेरीफाई हो जाती हैं, अमेज़ॉन को आप सेटिस्फाई कर लेते हैं, तो इन दिस केस वो वायोलेशन वहाँ से रिमूव हो जाएगी। अदरवाइज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अदरवाइज़ 180 डेज के लिए वो वायोलेशन आपके अकाउंट में रहेगी, वो वहाँ से रिमूव नहीं होगी। इवन आल दो कि आप उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट जिसकी वजह से आपको वायोलेशन की ईमेल मिली है, अगर उसको आप अपने स्टोर में से, डैशबोर्ड में से उस लिस्टिंग को डिलीट और रिमूव भी कर दें तो स्टिल वो वायोलेशन वहाँ पे रहेगी। अब ये वायोलेशन की नेचर पे डिपेंड करता है कि किस तरह की वायोलेशन है। मोस्टली वायोलेशंस जो हैं वो अराउंड मोर देन 90% वो रिलेट करती हैं कि आपने प्रोडक्ट जो भी आपने लिस्ट की हुई है उसकी आप इनवॉइस दें और डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट दें। तो वो 180 डेज के लिए आपके स्टोर में रहेगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लिस्टिंग रिमूव भी कर दें स्टिल इट विल बी देयर। तो उसका सिंपल सा प्रोसीजर यह है कि उसको एज इट उसको आप लीव करें, 180 डेज जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद वो वायोलेशन खुद ब खुद वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। और इन बिटवीन 180 डेज के अंदर अगर आप इस तरह के दूसरी वायोलेशन करते हैं तो फिर आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है। ये वो चीज़ें हैं कि जो एक न्यू कमर को समझ में नहीं आती कि किस तरीके से इन चीज़ों को डील करना चाहिए। तो मेरी एडवाइस आप सब लोगों के लिए यही है कि आप अमेज़ॉन का कोर्स कर रहे हैं, वो भले आप फिज़िकल कर रहे हैं या वो भले आप ऑनलाइन कर रहे हैं, तो इमीडिएटली किसी के भी कहने के ऊपर आप अपना स्टोर ओपन ना करें। उसकी जो सबसे बड़ी वजह वो मैंने आपको बता दी है कि स्टार्टिंग के अंदर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, आप स्टोर को अच्छे तरीके से रन नहीं कर सकते, या रन करने के लिए जो उसकी एक स्पेसिफिक आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है वो आपके पास नहीं होती। 2-4-6 महीने बाद आप डिसअपॉइंट होते हैं, डिसहार्ट होते हैं और फिर आप चुप करके बैठ जाते हैं कि जी मुझे तो लॉस हो गया इसके अंदर। आप सबसे पहले अपने स्पेसिफिक स्किल्स जो हैं वर्चुअल असिस्टेंट के अच्छे तरीके से आप उनको सीखें, उनको समझें, उसके बाद आप किसी क्लाइंट का, आप किसी फ्रेंड का स्टोर जो है वो उसको आप रन करें, और आफ्टर 6 मंथ आफ्टर ए ईयर जब आप इस काबिल हो जाएं, आपको पता चल जाए A to Z कि अमेज़ॉन क्या है, अमेज़ॉन के ऊपर हमने लिस्टिंग किस तरीके से करनी है, अमेज़ॉन के हमने प्रोडक्ट के रिव्यूज़ कैसे लेने हैं, सेलर का फीडबैक कैसे लेना है,
प्रोडक्ट को हमने ऊपर कैसे लेके आना है, सोर्सिंग किस तरीके से करनी है, कहाँ से करनी है, किस तरीके से हमारे पास कास्ट इफेक्टिव सोर्सिंग करनी है, प्रॉफिट मार्जिन हमने कितना रखना है, ये सारी चीज़ें, इसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें हैं, ये इसके अलावा वो चीज़ें हैं कि जो आपको बुक्स में नहीं मिलती, जो आपको पढ़ाई नहीं जाती, जो आपके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है और वो आपको हमेशा स्टोर रन करने से ही आता है। तो वो इन्फॉर्मेशन जब आपके पास सारी आ जाए तो उसके बाद आप अपना स्टोर ओपन करें। अगेन आई एम टेलिंग यू कि स्टोर ओपनिंग कोई इशू नहीं है। मेरे पास यूएई के और केएसए के इस वक्त 28 स्टोर्स हैं और उसमें से मोर देन हाफ स्टोर जो हैं वो वेटिंग में हैं कि उसके ऊपर वर्किंग की जाए। इन कंट्रीज़ के अंदर या इवन बाहर भी आप स्पेसिफिकली केएसए में, सऊदीया में और दुबई के अंदर आप बहुत आराम से स्टोर ओपन करवा लेते हैं। इतने हमारे 4.1 मिलियन पाकिस्तानी भाई हैं कि जो इन कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं, आप किसी को भी क्या है कि वहाँ से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उसके बारे में मैंने वीडियो पहले भी बनाई हुई है, एक कंप्रीहेंसिव वीडियो बाद में बना दूंगा कि किस तरीके से स्टोर ओपन करवाएं, उनके स्टोर के ऊपर बैठ के आप काम करें, उनके स्टोर ओपनिंग में किसी किस्म का एक्सपेंस नहीं आता, उनके साथ आप पार्टनरशिप करें। साफ ज़ाहिर है पार्टनरशिप आप वहाँ पर करेंगे जो आपके जानने वाले होंगे, एक ट्रस्ट लेवल वहाँ पर आपका क्रिएट होगा। तो एक्सपीरियंस गेन करें गाइस, किसी का स्टोर आप हैंडल करें और सिर्फ आप प्रोडक्ट टारगेट की तरफ अप्रोच ना करें, सिर्फ प्रोडक्ट टारगेट को डिस्कस ना करें, इसके अलावा बहुत चीज़ें हैं। तो अगर किसी किस्म की कोई आपको फर्दर इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आप सबको उसका रिस्पॉन्स कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।